नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप शुभ जन्मदिन स्पेशल, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज अभी पटना में ही हूं, कल परसों नरसों 15, 16, 17 रांची, रांची में जिसको भी हमसे मिलना हो, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, तत्काल समय ले लीजिए। देखिए, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर का पुण्य जागृत होता है जब कोई ज्योतिषी से मिलता है, तो जगा लीजिए अपना पुण्य और मिल करके अपने बच्चे की आने वाले कल के लिए बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। और एक बात, अगर आप कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए सोचे हैं और भगवान ने आपको इस लायक किया है, तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट इस समय आपको जोड़ने के लिए हैं। एक तो कल्चर वैली आप जानते ही हैं, और दूसरा एक और है, उसके लिए भी आप जोड़ सकते हैं। कल्चर वैली में निवेश चाहिए, बाकी दूसरे वाले में विदाउट एक्सपेंडिचर, 1 रुपये का भी आपको निवेश नहीं करना। चलिए बात कर लेते हैं। पहले बता देते हैं दिनांक 14 जून को जब ग्रह नक्षत्र क्षितिज में जागृत होते हैं तो क्या रहता है डिटेल। सूर्य शुक्र वृषभ राशि में, मिथुन में मंगल बुध राहु, चंद्रमा तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र है आज का, वृश्चिक में बृहस्पति है, शनि और केतु धनु राशि में, शुक्र और सूर्य वृषभ में। ये ग्रह आपके लिए बेहद सकारात्मक हैं। इन्हीं ग्रहों पर आधारित पूरे वर्ष का हाल मैं बताता हूँ। शिक्षा पहले बता देता हूँ, शिक्षा में कोई विशेष अवरोध नहीं है, किसी बड़ी समस्या से बाहर आएंगे, शिक्षा आपकी पूरी होगी, पूरे साल शिक्षा में मन लगा रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत कुछ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है, लेकिन जनवरी फरवरी के बाद शिक्षा में आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले थोड़े से परेशान रहेंगे, उसमें समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। व्यापार बिजनेस के मामले में उलट फेर तो बना रहेगा, हो सकता है कि किसी तरह की जांच में आपका व्यापार उलझ जाए, फंस जाए, स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही बिजनेस की। एक और दिक्कत है, व्यापार आपका ठप्प पड़ सकता है, कर्ज की स्थिति बढ़ रही है। जी हाँ, कर्ज की स्थिति बढ़ जाएगी, आपकी लापरवाही जुलाई से लेकर नवंबर तक चलती रहेगी, इसी लापरवाही के चलते आपका व्यापार ठप्प पड़ेगा। विदेश में जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है, लोन वगैरह सैंक्शन हो जाएगा। दिसंबर के बाद स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी, कोई मित्र आपकी मदद करके आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। प्राइवेट सेक्टर नौकरी की संभावनाएं 22 जून के बाद बन रही हैं, प्रयास सफल कर लीजिएगा। दोस्तों से मदद लेनी हो तो अक्टूबर के बाद लीजिएगा, दिसंबर जनवरी में बाहर जाकर के नौकरी कर सकते हैं। फरवरी मार्च महीना मकान और वाहन के लिए बेहद अनुकूल है। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन 100% कन्फर्म है, खासतौर पर सेना पुलिस फोर्स वगैरह वाले लोगों के लिए बहुत उत्तम समय चल रहा है। समझिए कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपका वेट कर रहा है। नौकरी में और किसी तरह की बड़ी बाधाओं से भी आप बाहर निकलेंगे, नौकरी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। नौकरी के लिए किसी तरह की समस्याओं से आपको गंभीर नहीं होना पड़ेगा। हाँ, स्थानांतरण के लिए फरवरी तक वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर के चांसेस बनेंगे। दाम्पत्य जीवन ये मामला उल्टा सीधा होगा, पत्नी किसी बात को लेकर के बहुत नाराज हो सकती है। 2-3 बार पूरे साल में अपने मायके जाएंगी, जैसे सितंबर में जा सकती हैं, फिर दिसंबर लास्ट में जा सकती हैं, फिर जनवरी में जा सकती हैं, फरवरी तो लगभग कन्फर्म है मानिएगा। थोड़ा सा परिवार को समय देना शुरू करेंगे तो चीजें बेहद सकारात्मक रहेंगी। मिथुन राशि, खास तौर पर आपको सावधान रहना होगा आने वाले 6-7 महीना जो 14 जून को पैदा हुए हैं और मिथुन राशि के हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी बड़े बुजुर्ग का हस्तक्षेप सदैव शुभ होगा। लव लाइफ वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है, यहां समस्याएं गंभीर हो सकती हैं।
हो सकता है कि आपका ब्रेकअप जुलाई में हो जाए, अगस्त से नवंबर के बीच में कोई नया जीवन में प्रवेश कर सकता है, ये आपके लिए अनुकूलता पूर्ण होगा। बाकी चीजों के लिए तो खैर कोई समस्या नहीं है गंभीर, बाकी चीजें बहुत आसानी से सब हो जाएंगी। अब स्वास्थ्य का देखा जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है हाथों में, और आंख में भी चोट चपेट की संभावना है, हेड इंजरी की भी स्थिति है, पूरे साल बनी रहेगी, हेलमेट बिना लगाए ड्राइव ना करिएगा। किसी तरह के पुलिस केस वगैरह में भी उलझ सकते हैं, ये भी थोड़ा एक सावधान रहने की जरूरत है। पुरानी बीमारियों में शुगर है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। 3 दिन लगातार अन्न और जल का दान करिएगा, आज कर दें, कल कर दें, परसों कर दें, जब भी कार्यक्रम देखें ये उपाय कर दीजिएगा। आज इनकी शादी की सालगिरह, दिनांक 14 जून को जो ब्याहे गए थे उनके लिए 3 केला और 1 तुलसी का पौधा किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं लगा दीजिएगा, ये आपके लिए उपाय रहेगा। बहुत आभार, एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हमें अनुमति दीजिएगा। और 15, 16, 17 कल परसों नर्सों रांची में जरूर मिलने की कोशिश कर लें, अपॉइंटमेंट नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। कई बार शिकायतें आती हैं फोन नहीं उठ रहा है, ऐसे में व्हाट्सएप करना जरूरी है, 9999024099 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिप्लाई तत्काल आ जाएगा और आप डायरेक्ट मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय श्री राधे।